वन पीस मांगा चैप्टर 1033 का स्पॉइलर आ चुका है। एनिमे वॉचर्स दूर हो जाओ और मांगा रीडर्स तैयार हो जाओ। स्पॉइलर के हिसाब से चैप्टर का टाइटल होने वाला है सिमोत्सुकी कोजाबुरो। ऊपर से सिमोत्सुकी कोजाबुरो का चेहरा भी लीक हुआ है। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले तुम सबको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं इस चैप्टर के स्पॉइलर का रिव्यू थोड़ा न्यू स्टाइल में करना चाहूंगा। मतलब ये कि अगर तुम मेरे पुराने स्पॉइलर रिव्यू देख चुके हो तो तुम्हें याद होगा कि मैं पहले मांगा के स्पॉइलर के एक पॉइंट को रीड करता हूँ, फिर उसको समझाता हूँ, अगेन नेक्स्ट पॉइंट के साथ भी यही करता हूँ। ऐसा मुझे जो है खुद अजीब लगता है, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना चैप्टर को जिस तरह से स्टोरी होती है उसी तरह से स्पॉइलर के हिसाब से भी बताया जाए। इससे एक चीज होगा, जब मांगा चैप्टर आएगा तो मैं उसका प्रॉपर रिव्यू कर पाऊंगा, ना कि पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर समझाऊं। इससे यार प्रॉपर रिव्यू तुमको मिलेगा। खैर स्पॉइलर की माने तो जोरो किंग पर डायरेक्ट हमला कर देता है, लेकिन वहां पर हो जाता है धमाका। सांजी वर्सेस क्वीन आपस में फाइट कर रहे हैं और क्वीन की आदत तुम अच्छे से जानते हो, वो बड़बड़ाता रहता है। क्वीन कहता है वो बंदा सर्वाइवर है लुनारिया ट्राइब का जो वाइप आउट हो गई थी। क्वीन यही नहीं रुकता, वो फिर कहता है वो मॉन्स्टर दुनिया के किसी भी एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। एंशिएंट टाइम में उन्हें गॉड्स कहा जाता था। अब देखो यार, ये चीज जानने के बाद शायद तुम्हें हैरानी हो सकती है, या फिर मेरे अलावा कोई और ऐसा बंदा जो इस पे वीडियो बनाया होगा या बना रहा होगा उसको भी हैरानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर किंग को गॉड का उपाधि दिया गया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिकॉज मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। तुम अच्छे से जानते हो मेरा कोलैब आया है इन दो नमूनों के साथ, उसमें हमने वन पीस इज नॉट रियल वाला थ्योरी बनाया। उससे पहले हम तीनों ने एक थ्योरी पे काम किया था जिसमें हम वन पीस के वर्ल्ड कैसे बना से लेके हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बताने वाले थे, और उसमें हम किंग को एक तरह से गॉड ही कंसिडर करने वाले थे। वो थ्योरी उस कोलैब में नहीं आ पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन, उसमें हमें दिख गया एक बहुत बड़ा प्लॉट होल जिसको हम भर नहीं पा रहे, क्योंकि यार जितना हमें इन्फॉर्मेशन दिखाया गया अभी तक वन पीस में ना, उस हिसाब से उस प्लॉट होल को नहीं भर सकते थे यार। इसी वजह से हमने वो आइडिया को ड्रॉप कर दिया और इस वजह से तुम लोग को देखने को मिला वन पीस इज नॉट रियल। खैर दोबारा चैप्टर पे आते हैं। सांजी पूछता है क्वीन से वो खत्म क्यों हो गए, जिसका जवाब क्वीन ऐसे देता है जाके उसी से पूछ। जोरो धमाके में बचने में कामयाब हो जाता है आर्मामेंट हाकी की बदौलत। जोरो फिर किंग पे अटैक करता है, सीसी सोनसोन जो भी है अजीबोगरीब नाम है, पर किंग को खरोच भी नहीं आता, वो दोबारा फाइट करना शुरू कर देता है। जोरो के स्वॉर्ड्स आइलैंड से नीचे गिरने ही वाले होते हैं, तभी वो अपने पास्ट में कुछ याद करता है। जोरो हितेत्सु की बातों को याद करता है, कुइना की जो स्वॉर्ड है वाडो इकुमोंजु और एनमा स्वॉर्ड दोनों सिमोत्सुकी कोजाबुरो ने बनाया था। यहाँ पे जोरो के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर कुइना का स्वॉर्ड वाडो इकुमोंजु ईस्ट ब्लू में क्या कर रहा है। खैर कोजाबुरो ने कहा था हर स्वॉर्ड की खुद की पर्सनालिटी होती है, जो वीक स्वॉर्ड्समैन होते हैं वो इन स्वॉर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो डरते हैं इनसे और इस वजह से इन्हें कर्स्ड कहा जाता है। यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है, सिमोत्सुकी कोजाबुरो कुइना का दद्दू था, ग्रैंडफादर था। जोरो यहाँ खुद से ही सवाल पूछता है क्या उसमें स्ट्रेंथ की कमी है। अब जोरो एनमा से पूछता है क्या यह पॉसिबल है, ओडेन तुम्हें आसानी से यूज इसलिए कर पाता था जब तुम उतनी हाकी अब्सॉर्ब कर लेते थे। इसके बाद बीच पायरेट के कुछ सोल्जर जोरो पे हमला करने की कोशिश करते हैं। जोरो भी लाइक मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अपनी हाकी को रेगुलेट करूं, नहीं मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। बीच पायरेट्स के मेंबर जो जोरो पे अटैक करने वाले थे वो बेहोश हो जाते हैं। क्या यहाँ कॉन्करर हाकी यूज हुआ है, मुझे लगता है हाँ। किंग यहाँ कहता है आर यू रियली गोइंग टू ट्राई टू बिकम ए किंग। जोरो यहाँ जिस तरह से जवाब देता है, जोरो फैंस तैयार हो जाओ, गूज़बम्स आने वाले हैं। जोरो कहता है ऑफ कोर्स आई हैव अ डेब्ट टू फुलफिल विद माय कैप्टन एंड बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, खासकर उन लोगों को जो जोरो के अंधे फैन है और अब वो इस बात का ढिंडोरा पीटने वाले हैं कि अबे जोरो के पास कॉन्करर हाकी पहले से थी, वो बस अपने कैप्टन को इज्जत देने के लिए नहीं दिखाता था, या फिर अब वो लूफी को भी हरा सकता है। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, जोरो के पास कॉन्करर हाकी थी इस बात पे कोई शक नहीं है, मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि यार वो पैदाइश मिलती है, बट उसके पास ये है, ये बात उसे मालूम नहीं थी। जब उसने एनमा को हाकी अब्सॉर्ब करने दिया तो एनमा ने ये रियलाइज किया होगा कि उसके पास कॉन्करर हाकी है, जिस वजह से उसने आर्मामेंट हाकी ना अब्सॉर्ब करके कॉन्करर हाकी अब्सॉर्ब किया और उस वजह से जोरो की जो कॉन्करर हाकी है उस स्वॉर्ड में से निकली, जिसके चलते काइडो के जो सोल्जर थे वो सब बेहोश हो गए। और शायद यही सेम चीज काइडो ने भी उस वक्त रियलाइज किया होगा जब उसने आसरा फॉर्म यूज किया, और अब किंग ने भी नोटिस किया, दैट्स व्हाई ही से आर यू रियली ट्राई टू बिकम ए किंग। और अब शायद जोरो ने भी ये रियलाइज कर लिया होगा। फिलहाल के लिए नो ब्रेक है, नेक्स्ट वीक मांगा चैप्टर का स्पॉइलर यहीं पे खत्म होता है
और हाँ नो ब्रेक है नेक्स्ट वीक, मतलब मजा और आने वाला है। खैर जो भी हो, मांगा चैप्टर जब अच्छे से आएगा हमें पता चल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। कोलैब वीडियो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में तुमको तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यार मैं पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा, तुम लोग जाके वो कोलैब वीडियो के तीनों पार्ट देख लेना। और हाँ यार, लाइक सब्सक्राइब वाली फॉर्मेलिटी भी पूरी कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। फिलहाल के लिए यहीं तक था आज का वीडियो, मिलेंगे कभी और नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। 君の虜になった